दोस्तों वीकली टेक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इस हफ्ते की बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। और ये वाला जो हफ्ता रहा है, इस वाले हफ्ते में मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आए हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं, OnePlus Nord 2 22 जुलाई को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस वगैरह भी लीक हो चुके हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा, जो कि सोनी IMX 766 फ्लैगशिप सेंसर के साथ आएगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया जाएगा। इसके अलावा 4500 mAh की बैटरी होगी, जो कि 65 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। और इसके प्राइस की बात करें तो लीक के हिसाब से बेस वेरिएंट का जो प्राइस है वो 32,000 रुपये बताया जा रहा है, और हाई वेरिएंट का जो प्राइस है वो 35,000 से 36,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। अगर ये फ़ोन इस प्राइस में इस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है तो आप लोगों के हिसाब से क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे सब कुछ तो ठीक है, बस उम्मीद करते हैं कि पिछले वाले नोट की तरह एक 5G बैंड इस फ़ोन में नहीं हो, एटलीस्ट 4-5 5G बैंड तो होना ही चाहिए। और लॉन्च होने के बाद देखते हैं परफॉर्मेंस वाइज ये कैसा फ़ोन होता है। पोको F3 GT इस फ़ोन का भी डेट कंफर्म हो चुका है, 23 जुलाई को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह भी बाहर निकल कर आ गए हैं। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1200 Dimensity की प्रोसेसर देखने को मिलेगी, और सुपर AMOLED डिस्प्ले होगी, जो कि 120 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसके अलावा 5065 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 67 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। ये गेमिंग फ़ोन होने वाला है, तो इसमें गेमिंग के लिए एक्स्ट्रा बटन भी दिया जाएगा। और इसके प्राइस की बात करें तो लीक के हिसाब से 30,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है बेस वेरिएंट का प्राइस, और हायर वेरिएंट का जो प्राइस है वो 35,000 रुपये बताया जा रहा है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि OnePlus Nord 2 का ये फ़ोन कॉम्पिटिटर है। तो लॉन्च होने के बाद देखते हैं दोनों में से कौन सा फ़ोन परफॉर्मेंस वाइज प्राइस वाइज ज़्यादा बेटर है। सैमसंग गैलेक्सी M32 5G इस फ़ोन के भी स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। 6GB रैम और एंड्रॉयड 11 के साथ ये फ़ोन आएगा, और इस फ़ोन की जो प्रोसेसर होगी वो Dimensity की 720 5G चिपसेट होगी, और ये फ़ोन Geekbench पे भी लिस्ट हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये फ़ोन इंडिया में अच्छे प्राइस पे लॉन्च हो। इसके साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी A22 5G वेरिएंट भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और बताया जा रहा है कि ये दोनों फ़ोन को इस महीने के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जा सकता है। और सैमसंग का अपना पिटारा है, जब खोला 2-3 फ़ोन लॉन्च कर दिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेकबैंड ब्लूटूथ एयरफोन विद प्रीलोडेड म्यूजिक। इंग्लिश समझ में आया नहीं ना, मुझे भी पहली बार समझ में नहीं आया था, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्लूटूथ एयरफोन है जो लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर पहले से ही आपको 1000 गाने लोड मिलेंगे, और आप उसे सुन भी सकते हो। यह किस तरह से वर्क करेगा, क्या इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज होगी या सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगा, यह तो अभी पता नहीं, लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे इसकी प्राइस बाहर आ गई है, ये अमेजन पे आपको 1750 के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रियलमी X7 प्रो के स्टेबल अपडेट वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैंने सभी लोगों का कमेंट पढ़ा, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कहा है कि रियलमी X7 प्रो के स्टेबल अपडेट होने के बाद इसके परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Redmi Note 10T इस फ़ोन का भी लॉन्च डेट कंफर्म हो गया है, 20 जुलाई को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और ये अमेजन पे भी लिस्ट हो गया है। इस फ़ोन में Dimensity 700 की प्रोसेसर देखने को मिलेगी, और इसकी प्राइस की बात करें तो 15,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस बताई जा रही है। अगर ये इसी प्राइस पे लॉन्च होता है तब तो ठीक है, अगर ये 17-18,000 रुपये के आसपास जाता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। Redmi Note 11 Pro इस फ़ोन के इमेज वगैरह भी लेट्स गो डिजिटल पे बाहर आ गए हैं, और इस फ़ोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा, और ये फ़ोन देखते हैं इंडिया में कब लॉन्च होता है, ताकि हम लोग देखें कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरह से वर्क करता है और कैसी इमेज निकाल कर देता है। इसके अलावा Xiaomi दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है, और इसने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है, और एक पे सैमसंग है, दूसरे पे Xiaomi है, और तीसरे पे एप्पल है। ये Xiaomi वालों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि Oppo Reno 6 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह भी आप लोग जानते होंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो Reno 6 की जो प्राइस है वो 29,990 रुपये है और Reno 6 Pro की जो प्राइस है वो 39,990 रुपये है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद Oppo वाले से मैंने 10-10 रुपये दोनों फ़ोन में कम करवाए हैं, वरना ये फ़ोन आपको 30,000 और 40,000 रुपये में ख़रीदना पड़ जाता। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे 10-10 रुपए दोनों फोन में कम करवा दिया, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे छोड़, अरे छोड़। वैसे Oppo Reno 6 Pro की जो प्राइस है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, अब BGMI के बाद BGMI 2 भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दरअसल PUBG न्यू स्टेट जो गेम है उसको क्राफ्टन वाले इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम BGMI 2 हो सकता है और इसका टीजर ट्रेलर हो सकता है नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिल जाए। तो वीकली टेक न्यूज़ में बस इतना ही, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।